अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं अपने किचन में अरवी बना रही हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही झटपट रेसिपी है, तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास अरवी है 1 किलो फ्रीज की हुई, तो प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची हैं मेरे पास, और कुछ स्पाइसेस हैं। इसमें मैं लाल मिर्च, नमक और हल्दी भी ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम अरवी को फ्राई कर लेते हैं। मैंने पैन लिया है और इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी अरवी फ्राई करने के लिए। थोड़ा हम ज़्यादा ऐड कर देंगे ताकि अरवी को अच्छी तरह से कलर आ जाए। और यहाँ पर मैं अरवी इसको डाल दूंगी। और मैं इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि अरवी हमारी नरम हो जाए। अरवी हमारी फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसको निकाल लूँगी किसी अलहदा बाउल में। अरवी मैंने निकाली है अलहदा बाउल में और अब मैं इसके अंदर प्याज फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, लेकिन इसे इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा सोते करना है प्याज को। प्याज हमारा सोते हो चुका है, अब मैं इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची शामिल करूँगी। और इसके अंदर मैं हसबे ज़रूरत नमक, हल्दी और हसबे ज़रूरत मिर्च शामिल करूंगी, और साथ ही मैं सूखा धनिया और ज़ीरा शामिल करके अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे और इसका अच्छी तरह से मसाला बना लेंगे। मसाला जितना अच्छा बनेगा हमारी जो रेसिपी है वो उतनी अच्छी तैयार होगी। यहाँ पर मसाला मेरा तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा मसाला तैयार हुआ है, ये देखें। और अब मैं इसमें अरवी ऐड कर दूंगी जो मैंने फ्राई की थी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको दम पर छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच में। और दम देने से पहले मैं थोड़ा सा गरम मसाला इसमें शामिल करूंगी। और मेरे पास यहाँ पे 3 अदद नींबू हैं, इनको मैं निचोड़ लूँगी और निचोड़ने के बाद मैं इनको दम दे दूँगी। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। दम को लगाए हुए 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। चलो